सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम लोग कुड़ुक में सेंटेंस बनाना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है। सेंटेंस बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, तो आज की क्लास में हम उसी चीज को देखने वाले हैं। लेकिन देखिए, सेंटेंस किस तरीके से बनेगा उसे देखने से पहले हम लोग कुछ क्रिया करने वाले हैं, क्योंकि क्रिया हर सेंटेंस में इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है और क्रिया का मतलब ही होता है काम। ठीक है, काम। चलिए देखते हैं हम लोग। नलना, नलना का मतलब क्या होता है? नलना का मतलब होता है नाचना। पाड़ना, पाड़ना का मतलब होता है गाना। उन्ना, उन्ना का मतलब पीना भी होता है और खाना भी होता है, यानी कि मंडी के साथ इस्तेमाल होता है। देखिए, उन्ना का मतलब पीना होता है। हम कुछ भी चीज पीते हैं, हम वहां पर उन्ना का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अम उन्ना यानी पानी पीना, चाह उन्ना यानी चाय पीना। और यहाँ पर मैंने बताया कि खाना भी इसका मतलब होता है, और ये सिर्फ मंडी के साथ आता है, जैसे कि मंडी उन्ना यानी खाना खाना। अब नेक्स्ट देखिए मोखना। मोखना का मतलब भी खाना होता है, लेकिन मंडी के अलावा, मंडी के अलावा अगर आप कुछ चीज खाते हैं तो फिर वहां पर मोखना का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि रोटी खाना, रोटी आपका मंडी नहीं है तो वहां पर हम मोखना का इस्तेमाल करेंगे। अस्मा मोखना, क्यों? क्योंकि अस्मा आपका मंडी नहीं है, इसलिए हमने मोखना का इस्तेमाल किया, उन्ना का नहीं। फिर देखिए खंदरना। खंदरना का मतलब होता है सोना। बेचना, बेचना का मतलब होता है खेलना। नेक्स्ट है आपका बोंगना। बोंगना का मतलब होता है आपका दौड़ना और भागना, दोनों ही होता है। ठीक है, दोनों होता है। बहुत सारे लोग बोंगना की जगह पर भोंगना बोलते हैं, तो भोंगना भी गलत नहीं है, है ना? तो भोंगना भी बोल सकते हैं या फिर भोंगना भी बोल सकते हैं। तो दोनों का मतलब या तो दौड़ना होगा या फिर भागना होगा। फिर है आपका एकना। एकना का मतलब होता है चलना। फिर बेचना, बचना, बचना का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, पढ़ना। बेचना का मतलब खेलना था, लेकिन बचना का मतलब पढ़ना है। फिर है आपका नन्ना। नन्ना का मतलब होता है करना। मैं यहाँ बात कर रही हूँ क्रिया की। ठीक है, नन्ना का मतलब करना होता है, लेकिन नन्ना का मतलब एक और मतलब इसका होता है दूसरा। ठीक है, दूसरा, दूसरा। जैसे कि नन्ना उल्ला यानी कि दूसरा दिन। नन्ना उल्ला यानी कि दूसरा दिन। इसी तरीके से आपका हो जाएगा नन्ना आलर यानी कि दूसरे लोग। नन्ना आलर यानी कि दूसरे लोग। इसी तरीके से हो सकता है आपका नन्ना एड़पा यानी दूसरा घर, नन्ना पद्दा यानी कि दूसरा गांव। ठीक है, नन्ना राज्य यानी कि दूसरा प्रदेश या दूसरा राज्य। इस तरीके से आप नन्ना का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्रिया की बात कर रहे हैं तो नन्ना का मतलब करना होता है, याद रखिएगा। चलिए, तो क्रिया हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस की तरफ। तो चलिए अब हम इन्हीं क्रिया को देखते हैं कि इनका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है, तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे ऑनलाइन कुड़ुक स्पोकन क्लास के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि आपका जूम ऐप पर होता है, तो आप लोग घर बैठे बैठे कुड़ुक सीख सकते हैं। वहां पर जूम ऐप पर कुड़ुक आप लोगों को मैं सिखाऊंगी, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, ठीक है, तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कुड़ुक स्पोकन क्लास की मदद से बहुत सारे लोगों ने कुड़ुक सीखा है और बहुत सारे लोग अभी भी कुड़ुक सीख रहे हैं, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कुड़ुक सीखना तो आप लोग भी इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को कुड़ुक सीखना है या फिर आपके आसपास किसी को भी कुड़ुक सीखना है, तो फिर आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज कर दीजिएगा। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये सारा जो लिखा हुआ है, इसे मैंने, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एन परिधि बेचा लगन, तो मैंने एक सेंटेंस को तीन हिस्सों में तोड़ दिया। एन परिधि बेचा लगन, तो यहाँ पर देखिए इस साइड क्या लिखा हुआ है कि कौन काम को कर रहा है, मतलब कौन कर रहा है, कोई ना कोई तो कर रहा होगा ना कुछ काम को, जैसे कि मैं, एम, नीन,
नीम, आस, आर। उसके बाद इस तरफ देखिए, इस तरफ मैंने लिख दिया है कि कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, कोई ना कोई तो काम कर रहे होंगे, जैसे कि आपका बेचा लगदन यानी कि खेल रहा हूं, नना लगदन नला लगदन यानी कि नाच रहे हैं, काला लगदा यानी कि जा रहे हो, कंटे खोया यानी कि घास काटो, है ना, बीता लगदस मतलब पका रहा है, खंडा लगना यानी कि काट रहे हैं। अब यहां पर देखिए बीच में ये वाला जो है यानी कि उस काम को कैसे कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से कर रहे हैं, जैसे कि एन पैरी थी यानी कि मैं सुबह से, बीचा लगदन यानी कि खेल रहा हूं, हम दौले यानी कि अच्छे से, नला लगदम यानी कि नाच रहे हैं, फिर देखिए नीम किरमे किरमे काला लगता है यानी कि तुम धीरे धीरे जा रहे हो, फिर नीम चाढ़े चाढ़े कंटे खोया यानी कि नीम यानी कि तुम लोग जल्दी जल्दी घास काटो, ठीक है, घास काटो, आस किरमे किरमे बीता लगदस यानी कि वह धीरे धीरे पका रहा है, फिर आर मुरुख मन खंडा लगनर यानी कि वे लोग मुरुख यानी अंधाधुंध, ठीक है, अंधाधुंध मन पेड़ खंडा लगनर यानी कि काट रहे हैं। तो देखिए काम को करने वाले इस तरफ है और जो काम है जो हो रहा है वो इस तरफ है यानी क्रिया इस तरफ है, और ये जो बीच में है वो दिया हुआ है कि हम किस तरीके से काम को कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये वाला जो है जो मैंने यहाँ दिया हुआ है ये मैंने थोड़ा सा ही लिखा हुआ है क्योंकि इतने से ही आप लोग 100-200 सेंटेंस अपने आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसे अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए एन पैरी थी बीचा लगदन, यहाँ मैंने लिखा मैं सुबह से खेल रहा हूँ, है ना, आप इसे कह सकते हैं कि मैं सुबह से नाच रहा हूँ यानी कि नला लगदन, ये नाचना को नलना बोलते हैं ना, तो नला लगदन यानी कि नाच रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप लोगों को कहना है कि मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ तो आप कहेंगे एन पैरी थी बोंगा लगदन, ठीक है, एन पैरी थी बोंगा लगदन। अब ये लगदन है क्या, लगदन का मतलब है रहा हूं या फिर रही हूं, ठीक है, एन पैरी थी बोंगा लगदन यानी कि मैं सुबह से दौड़ रहा हूं बोंगा लगदन, या फिर अगर आप लोग इस तरीके से कहना चाहते हैं कि एन पैरी थी यानी मैं सुबह से बचा लगदन यानी कि पढ़ रहा हूं बचा लगदन। देखिए लगदन जो होता है दन, ये लगदन ये हमेशा एन के साथ ही इस्तेमाल होता है, दन का इस्तेमाल एन के लिए ही होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। अगर दन लगा है तो आप लोगों को देख के पहचान जाना चाहिए आप लोगों को कि दन आपका प्रेजेंट टेंस में लगता है, पास्ट टेंस में नहीं ना तो फ्यूचर टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में लगता है। एन पैरी थी बचा लगदन यानी कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, या फिर अगर आप लोग इसे बदलना चाहते हैं तो एन बुधवारी थी बेचा लगदन यानी कि मैं शाम से खेल रहा हूँ, है ना, या फिर आप कुछ कहना चाहते कि मैं धीरे धीरे खेल रहा हूँ एन किरमे किरमे बेचा लगदन, तो आप लोग इस तरीके से एक ही सेंटेंस का इस्तेमाल करके बहुत सारे सेंटेंस आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए एन दौले नला लगदम, एन यानी क्या होता है हम अच्छे से नाच रहे हैं, रहे हैं हम अच्छे से नाच रहे हैं। अगर आपको कहना है कि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एम दौले बचा लगदम, बचा लगदम, ठीक है, लगदम का इस्तेमाल करेंगे। ये जो दम है ना दम, ये हमेशा एम के साथ ही इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में दम का इस्तेमाल होता है एम के साथ। तो एम दौले नला लगदम या फिर एम दौले बचा लगदम यानी कि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं या फिर हम अच्छे से गा रहे हैं यानी कि पाड़ा लगदम हम अच्छे से गा रहे हैं, या फिर एम दौले बेचा लगदम यानी कि हम अच्छे से खेल रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए नीम, नीम का मतलब क्या होता है, नीम का मतलब होता है तुम, यहाँ पे काम कौन कर रहा है तुम, ठीक है, और कर क्या रहा है काला लगदन यानी कि जा रहे हो, तुम जा रहे हो कैसे धीरे धीरे, तुम जा रहे हो धीरे धीरे, ठीक
ठीक है, तुम धीरे धीरे जा रहे हो, तुम धीरे धीरे जा रहे हो। इसी तरीके से नील किरमे किरमे बचा लगता है, यानी कि तुम धीरे धीरे पढ़ रहे हो, या फिर नील किरमे किरमे भूंगा लगता है, यानी कि तुम धीरे धीरे दौड़ रहे हो, या फिर नील किरमे किरमे नला लगता है, यानी कि तुम धीरे धीरे नाच रहे हो, या फिर नील किरमे किरमे पाड़ा लगता है, यानी कि तुम धीरे धीरे गा रही हो। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, किरमे किरमे की जगह आप किसी और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जल्दी जल्दी बोल सकते हैं चाढ़े चाढ़े, या फिर पैरीटी पुतना गुटी इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि सुबह से शाम तक ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, ये नीम के साथ ये दय का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, दय, अब ये दय आता किसके लिए, जब आप कह रहे हैं कि तुम धीरे धीरे जा रहे हो। ठीक है, अब आप कह रहे हैं किसी को कि तुम धीरे धीरे जा रहे हो, अब ये सामने वाला जिससे भी आप बोल रहे हैं, या तो वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है, हो सकते हैं ना मेल या फीमेल। तो अगर मेल है तो दय का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर फीमेल है तो दिन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, दिन, जैसे अगर यही सेंटेंस में मुझे किसी फीमेल के लिए इस्तेमाल करना होता तो मैं लग दय नहीं बोलती, तो फिर मैं बोलती लग दिन। नील किरमे किरमे काला लग दिन, यानी कि तुम धीरे धीरे जा रही हो। ठीक है, इसी तरीके से नील किरमे किरमे पाड़ा लग दिन, यानी कि तुम धीरे धीरे गा रही हो। ठीक है, या फिर अगर इस तरीके से बोलना है कि तुम धीरे धीरे गाना गा रही हो, यानी नील किरमे किरमे डंडी पाड़ा लग दिन, डंडी पाड़ा लग दिन, गाना का मतलब होता है डंडी, पाड़ा लग दिन यानी कि गा रही हो। ठीक है, इस तरीके से तो फीमेल के लिए दिन का इस्तेमाल होता है और मेल के लिए दय का इस्तेमाल होता है नीम के साथ। ठीक है, नीम के साथ, अब देखिए नीम, नीम का मतलब क्या होता है, नीम का मतलब होता है तुम लोग, है ना, तुम लोग। जैसे कई बार होता है कि आप कहीं खड़े हैं, है ना, वहां से बहुत सारे लोग जा रहे हैं कहीं पे, मान लीजिए कि दो लोग जा रहे हैं, दोनों का, एक का नाम रामू है एक का नाम श्यामू है। ठीक है, आपने इन दोनों से कहा तुम लोग कहाँ जा रहे हो, आपने कहा तुम लोग, ये तो नहीं बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ दो है ना, तो इसलिए आप कहेंगे तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो तुम लोग के लिए हम नीम का इस्तेमाल करते हैं, नीम, नीम का मतलब तुम लोग, एक से ज्यादा अगर आ जाएंगे तो आप वहां पर नीम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि नीम चाहे चाहे कंटे खोया, यहाँ पर एक क्रिया है आपका खोयना, यहाँ लिख देती हूँ खोयना, खोयना का मतलब होता है काटना, काटना। खोयना का इस्तेमाल कहाँ होता है, देखिए खोयना का इस्तेमाल आपका जब हम लोग तातर से यानी कि हसुआ से काटते हैं ना, तब वहां पर हम खोयना का इस्तेमाल करते हैं। खोयना का इस्तेमाल आपका ज्यादातर तो धान के लिए होता है, गेहूं के लिए होता है, घास के लिए जो लंबी लंबी घास होती है उनके लिए होता है, तो इन जगह पर हम खोयना का इस्तेमाल करते हैं। जब आप तातर से काटते हैं ना, तब वहां पर खोयना का इस्तेमाल होता है, तातर मतलब हसुआ। ये कंटे हैं, कंटे मतलब एक तरीके का सामान्य घास पात ही होता है, घास ही होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि नीम चाढ़े चाढ़े कंटे खोया, यानी कि तुम लोग जल्दी जल्दी घास काटो, है ना, घास काटो, तुम लोग जल्दी जल्दी घास काटो, या फिर तुम लोग जल्दी जल्दी आओ, है ना, यानी कि नीम चाढ़े चाढ़े बरा, इस तरीके से बरा, नीम चाढ़े चाढ़े बरा। उसके बाद देखिए आस किरमे किरमे बीता लगदस, वह आस मैंने आप लोगों को बताया है मेल के लिए इस्तेमाल होता है, आस का मतलब वह होता है या फिर वो होता है। आस किरमे किरमे बीता लगदस मतलब वह धीरे धीरे पका रहा है, ठीक है, वह धीरे धीरे पका रहा है। जो दस होता है ना, दस, ये आपका प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है और आस के साथ ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, आस के साथ या फिर ईस के साथ, मतलब ऐसा सर्वनाम जो कि मेल के लिए इस्तेमाल होता है उनके साथ इस्तेमाल होता है। उसके बाद आस किरमे किरमे बीता लगदस मतलब वह धीरे धीरे पका रहा है। इसी तरीके से आस किरमे किरमे नला लगदस, यानी कि वह धीरे धीरे नाच रहा है। आस किरमे किरमे पाड़ा लगदस, यानी कि वह धीरे धीरे गा रहा है।
आज किरमे किरमे मोखा लगदस यानी कि वह धीरे धीरे खा रहा है। आज किरमे किरमे मंटी बीटा लगदस यानी कि वह धीरे धीरे खाना पका रहा है। आप लोग इसमें और भी वर्ड का मतलब कि शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आर मुरुख मन खंडा लगदस। मुरुख का मतलब क्या होता है? मुरुख का मतलब होता है अंधाधुंध, है ना, अंधाधुंध। आर यानी वे लोग, आर का मतलब वे लोग होता है। मुरुख यानी कि अंधाधुंध, मन खंडा लगना यानी कि पेड़ काट रहे हैं, ठीक है। मन खंडा लगना यानी कि पेड़ काट रहे हैं। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आर मुरुख एका लगना यानी कि वे लोग अंधाधुंध चल रहे हैं। आर मुरुख बचा लगना यानी कि वे लोग अंधाधुंध पढ़ रहे हैं। आर मुरुख बेचा लगना यानी कि वे लोग बहुत मतलब कि अंधाधुंध खेल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे सेंटेंस, कम से कम 100-200 से ज्यादा ही सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब नीचे देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ और क्रिया कुछ और सेंटेंस लिया है, जैसे कि आयो ए पुतबारी थी बेचा लगदन। आयो यानी माँ, ए यानी मैं, पुतबारी यानी शाम, ती मतलब से, बेचा लगदन, बेचना आपका खेलना होता है, बेचा खेल लगदन रहा हूं, ठीक है, रहा हूं। आयो मा एन मैं पुतबारी शाम ती से बेचा खेल लगदन रहा हूं या फिर रही हूं, ठीक है, मतलब माँ मैं शाम से खेल रहा हूं। अब देखिए दूसरा, एन पायरी थी पुतना गुटी नला लगदन, यानी एन मैं पायरी सुबह ती से पुतना शाम गुटी तक नाच लगदन रहा हूं, ठीक है, यानी मैं सुबह से शाम तक नाच रहा हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम पुतना का मतलब, पुतबारी का मतलब शाम होता है, आपने पुतना लिख दिया। पुतना भी एक क्रिया है, ठीक है, पुतना भी एक क्रिया है। पुतना का मतलब क्या होता है? सूर्यास्त होना, सूर्यास्त होना मतलब सूरज डूबना, ठीक है, पुतना का ये मतलब होता है, सूरज डूबना, जैसे कि बीड़ी पुतना यानी सूरज डूबना। कई बार हम लोग शाम के लिए भी पुतना का इस्तेमाल कर देते हैं। पहली थी पुतना गुटी कहने का मतलब है सुबह से शाम तक। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, सुबह पहली थी पुतबारी गुटी, पुतबारी भी बोल सकते, दिक्कत नहीं है। तो सुबह से शाम तक यानी कि पहली थी पुतना गुटी, मैं सुबह से शाम तक नाच रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, एम दौले गलक नना बिदम, मैंने कहा था ना, एम के साथ दम आता है और एम के साथ दन आता है। एम दौले नलक नना लगदम यानी कि हम दौले अच्छे से, नलक काम, नना यानी कि करना, बिदम यानी कि चाहते हैं, हम अच्छे से काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इससे सेंटेंस बनाने में आप लोगों को मदद मिले। लेकिन अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और किस तरीके का वीडियो आप लोगों को चाहिए आप लोग कमेंट करके मुझे बताया कीजिए, तभी तो मुझे आप लोगों के बारे में पता चलेगा ना कि आप लोगों को कहाँ पर सीखने में दिक्कत हो रही है, क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं या किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। आप लोग जब तक मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे तब तक मैं कैसे जानूंगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताया कीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू।